नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के जमाने में सभी लोग स्मार्ट हो गए हैं। आखिर क्यों ना हो, सभी के पास स्मार्टफोन जो है, इन स्मार्ट यूजर्स खुद के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं करते। जैसे कि अपने फोन पे बहुत सारे पासवर्ड लगाना, अपने फोन को किसी दूसरे को ना देना, अपनी डेटा को हाइड कर देते हैं। इतने सारे सिक्योरिटी के बावजूद भी ये लोग ऐसा ही कुछ गलती करते हैं जिसके वजह से उनका पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। आज मैं कुछ ऐसा ही गलती के बारे में बताऊंगा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सी काम है जो हमको नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। मैं आज कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसको आपको बारीकी से समझना है। सबसे पहला, मोबाइल फोन को सर्विस सेंटर में देना। कई बार क्या होता है ना, फोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर में देते हैं, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सनल डेटा लीक होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या करेंगे, आप अपने सभी डेटा को बैकअप ले लीजिए और अपने फोन से पर्सनल डेटा को डिलीट कर दीजिए। अगर आप किसी दुकान में अपने फोन को रिपेयर करवाते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी नजर के सामने ही रिपेयर हो। ऐसे में क्या होता है ना, दुकानदार फोन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और एक बात, अपने फोन से एसडी कार्ड को, आप जिसे कहते हैं अपना मेमोरी कार्ड, उससे निकाल दीजिए रिपेयर करवाने से पहले। दूसरी बात, अपने स्मार्टफोन में हमेशा पासवर्ड लगा के रखें। आजकल के स्मार्टफोन में बहुत सारे सिक्योरिटी लॉक होता है, बहुत सारे टाइप का सिक्योरिटी लॉक होता है, जैसे कि फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, पासकोड और पैटर्न लॉक। इन सभी लॉक का इस्तेमाल कीजिए और सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रांग पासवर्ड दीजिए। तीसरी बात, खुद के मोबाइल को ऑफलाइन करके अपने खुद के बच्चे को दीजिए। जब भी आप किसी बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तब एक बात हमेशा याद रखना कि इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके ही देना, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे गेम में इंटरेस्ट है। जब भी वो गेम खेलते हैं तब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है तो कुछ बच्चे उस एडवर्टाइजमेंट टच कर देते हैं, जिसके वजह से कुछ वक्त कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। चौथा पॉइंट, ऑलवेज अपडेट योर मोबाइल फोन्स। स्मार्टफोन को हमेशा अपडेट करना चाहिए, क्योंकि अपडेट करने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ हद तक स्पीड हो जाता है और उसका सिक्योरिटी भी कुछ हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे यूजर्स अपने स्मार्टफोन को अपडेट ही नहीं करते, जिसके वजह से बहुत सारे मालवेयर वायरस अपने फोन के अंदर घुस जाते हैं और ये अपने डेटा को चुरा लेते हैं। जैसे कि आपका ओटीपी, बैंक का कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी हो, और आप नहीं जानते आपके खुद के डेटा आपके लिए कितना जरूरी होता है। इसलिए हर महीने अपने फोन को अपडेट कर लेना चाहिए। अपने फोन को अपडेट करने के लिए आपको अपने सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाके अपडेट कर देना है। पांचवा पॉइंट, सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया में कोई वीडियो या कोई फोटो अपलोड करने के वक्त आप इस बात का जरूर से ध्यान रखना कि उस फोटो या वीडियो के अलावा कुछ और फोटो या वीडियो गलती से तो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों के प्राइवेट फोटोज या प्राइवेट डेटा लीक हुआ है उनमें से ज्यादातर लोग खुद ही अपने डेटा को किसी के साथ शेयर करते थे और बाद में उनका प्राइवेट फोटोज वायरल हुआ है। छठवां पॉइंट, एप्लीकेशन को सारी परमिशन दे देना। जब भी हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये एप्लीकेशन हमें तरह तरह का परमिशन मांगता रहता है और हम बिना पढ़े ही सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं। बस यहीं पे हम गलती कर देते हैं। सारी परमिशन देके हम अपनी सारी कंट्रोल उस एप्लीकेशन को दे देते हैं और वो एप्लीकेशन उसका फायदा जरूर उठाता है। और एक बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब जो भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो सब गूगल प्ले स्टोर से करें या फिर ऐप स्टोर से करें। गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये आपके लिए अच्छा होगा और आपके स्मार्टफोन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताया जिसको आपको फॉलो करने से आप कुछ हद तक अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।